हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छी होंगे। तो मैं आज जाने वाली हूँ मंदिर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर नवरात्रि के लिए मैं मंदिर जाती हूँ, तो आज भी मैं मंदिर जा रही हूँ। तो मेरे साथ मेरी बहन है, हम जा रहे हैं आज देशु मंदिर। आपको भी हम दिखाएंगे, देशु मंदिर के दर्शन करवाएंगे हम आप लोगों को। तो अभी तो हम घर से टाइम नहीं लगा शूट करने का, क्योंकि लेट थी बहुत। हमारे साथ और आने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। मैं सबको पूछा था, दीदी वीआर को भी बोला था, बट वो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, हमने सोचा हम ही चलते हैं। अभी तो हम आधे से भी आधे तक पहुंचे हैं। यहाँ से तो छाएं, बट ऊपर को बहुत धूप है और ये तो अभी सी ढीली पड़ गई है। उफ, स्टेयर्स है बहुत, क्योंकि गाड़ी भी नहीं जाती ऊपर तक, आधे तक जाती है गाड़ी भी। और देशु में पता नहीं कितने साल बाद, शायद 3 साल बाद जा रही हूँ, 3 या 4 साल। तो पैदल ही चलना चाहिए। हाँ, मंदिर तो वैसे सच में पैदल ही आना चाहिए। यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी है, वैसे तो जगह जगह पे बने हैं ये रेस्ट करने के लिए। ये देखो, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट है। अब यहाँ से स्टार्ट है और ये तो ऊपर भी नहीं पहुंच रही। देखो स्टेयर्स तो ऊपर तक है जहां तक हम जाएंगे। ये स्टेयर्स तो खत्म ही नहीं होगी अभी। इस मंदिर के सबसे नजदीक है ये होटल, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। अच्छा, 900 कितनी? अच्छा, थैंक यू। और मैंने अभी एक भैया से पूछा कि यहाँ से कितनी स्टेयर्स है ऊपर। मेरा तो अपना ही आइडिया था कि 999 है स्टेयर्स। अब तो 10 मिनट रह गए बस, हम पहुंचने ही वाले हैं और लोग ना वापस आने लग गए हैं। ये देखो, क्योंकि लोग सुबह सुबह ही चले जाते हैं। हम भी वैसे तो जल्दी आए हैं। फाइनली हम देशु पहुंच गए हैं। ये देखो, यह है देशु मंदिर, महाकाली का मंदिर है ये। यहाँ पे 3 मंदिर है, 2 माता के मंदिर है और 1 शिव मंदिर है। कहते हैं कि ये जो देशु माता मंदिर है, इसकी स्थापना पांडवों ने की थी शिवपिंड के रूप में। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ का पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। के कानों में बोल दिया, मेरी विश पता नहीं पूरी होगी कि नहीं। दर्शन हमने कर लिए है, अब मैं आपको बाकी का पूरा मंदिर दिखाती हूँ। और जो ये महाकाली का मंदिर है, इसके अंदर किसी भी श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इस मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी जी ही जा सकते हैं, वही इस मंदिर की साफ सफाई करते हैं और जोत जलाते हैं।
भोग उतार लेना जरूरी है। तो चलिए अब भोग लेने चलते हैं। हम दर्शन तो हमने कर लिए हैं। ये जो भंडारा है ये सभी नवरात्रों में यहाँ पे दिया जाता है और बहुत टेस्टी होता है यहाँ का भंडारा। सच में भोग बहुत टेस्टी बनाता है ना भंडारा यहाँ पे होता है। ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे भागवत होता है हर साल। इस बार तो मुझे पता नहीं कब होगा, पर यहाँ से देखिए इतना सुंदर लगता है यहाँ से व्यू। पर ये जो आपको लेक दिखाई दे रही होगी यहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं, और यहाँ पे इतना सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। के पास पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे धूप बहुत लगती है सच में। उफ, अब तो ज़्यादा लग गई धूप, सुबह तो नहीं थी इतनी। और यहाँ लेक तो नहीं आई, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लेक। हाँ ये तो नहीं आई थी, बट मैं बहुत बार आई। ये जो आपको यहाँ पे खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आलू की खेती की जाती है इस खेतों में। ये देखो ये रही वो सुंदर सी लेक जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी। ये देखो बट ये लेक बहुत गंदी की हुई है। ये देखो पता नहीं इसमें क्या क्या डाल रखा है, कूड़ा। और गेट तो यहाँ से बंद है नहीं तो मैं आपको अंदर जाके दिखा सकती थी। अब हम फागू पहुंच गए हैं। हमारा ट्रिप अभी बहुत लंबा है और मैं सुबह आपको बताना ही भूल गई, जो ये देशु माता मंदिर है वो आप लोग प्रॉपर फागू में उतरिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर आने के लिए रास्ता है, दी एप्पल ब्लॉसम लिखा भी है यहाँ पे, यहाँ से ही ऊपर जाने के लिए रास्ता है इसका। तो हमारा ट्रिप अभी बहुत लंबा है, हमें भी हिमांश को स्कूल से लेने जाना भी है। दीदी हमारा वेट कर रहे हैं अभी। तो अब हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं क्योंकि हमें भी बस लेनी है यहाँ से, तो मिलते हैं ठोक में। दीदी भी मिल गए हमें, और इन दोनों ने तो आज ट्रेनिंग किया है, ये तो सडनली हो गया। अब हम तीनों हिमांश को लेने जा रहे हैं। उसको मैं तो उसको पिछली बार छोड़ने भी गई थी। शालिनी कह रही है कि मुझे उसको लेने जाना है, उसको सरप्राइज देना है। तो चलते हैं अब हम हिमांश को लेने। और ये देखो हम हिमांश को लेने पहुंच गए हैं। हेलो हिमांश, हिमांश को किसके साथ जाना है? मासी के साथ, मम्मा के साथ? जाना मासी के साथ। तू किसके साथ जाना? मम्मा तो नहीं आए। मम्मा तो नहीं आए हिमांश? नहीं आए मम्मा तो। बाय बाय बाय, चलो को भी हमने सरप्राइज दे दिया है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय कर दो हिमांश, बाय बाय।